हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड निफ्टी ने लॉन्च किया निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स, नया इंडेक्स है निफ्टी का, जैसे आईटी इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स, बाकी सारे इंडेक्स जो है वैसे ही एक निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स लॉन्च किया उसने। उसके बाद सबसे पहले एचडीएफसी ने लॉन्च किया एचडीएफसी हाउसिंग फंड, एंड देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अभी लेटेस्ट हाउसिंग फंड एनएफओ नहीं आ रहा है, लॉन्च हो चुका है फंड। तो आप लोग बोल रहे हो कि सेबी ने तो मना कर रखा है, तो हाँ सेबी ने मना कर रखा है, लेकिन उसके ऑर्डर आने से पहले लॉन्च कर दिया था आईसीआईसीआई का हाउसिंग फंड आईसीआईसीआई ने, जो कि 3130 करोड़ रुपए के आसपास, सोचो 3000 करोड़ से ज़्यादा रुपए जुटा लिए उसने अपने फंड में। तो हम बात कर रहे हैं इस थीम की, हाउसिंग थीम की। तो यहाँ पर ये प्रॉपर सेक्टोरल फंड नहीं है, ये एक थीमेटिक फंड है, मतलब काइंड ऑफ इंडेक्स फंड नहीं है, उस इंडेक्स को कॉपी नहीं करेगा। उस इंडेक्स में जैसे हाउसिंग इंडेक्स जो है निफ्टी का, उसके अंदर 50 स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन इसके अंदर उससे ज़्यादा स्टॉक्स भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस थीम को कैप्चर करेगा, इसका बेंचमार्क इंडेक्स वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर में ऐसे स्टॉक्स होंगे, मतलब रियल एस्टेट से रिलेटेड स्टॉक्स भी होंगे, एंड ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो कि बेनिफिट हो सकते हैं रियल एस्टेट के ग्रोथ से, हाउसिंग जो सेक्टर है उसके ग्रोथ से, कौन कौन से स्टॉक्स या बिजनेसेस या कंपनीज ग्रो कर सकती है, वैसे थीम पे ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगी। मतलब अगर घर बनता है तो उसमें सीमेंट भी यूज़ होता है, लोहा भी यूज़ होता है, एंड उसकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी की भी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये क्या हो गया, एक थीम हो गया, तो ऐसे थीम पे ये इन्वेस्ट करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें ग्रोथ हो सकता है, हाउसिंग में ग्रोथ हो सकता है इंडिया के अंदर, और ग्रोथ हो सकता है? देखो, मेरा जो राय है इस फंड के बारे में, मुझे लगता है कि मैं तो ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ ना बहुत ज़्यादा निगेटिव हूँ, क्योंकि हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है। अब देखो, कमर्शियल प्रॉपर्टी का सेक्टर जैसे रीट्स हो गई तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हाउसिंग के रियल एस्टेट में घर वाली चीज़ों पे मुझे उतना नहीं सही लगता। क्योंकि देखो, घर खरीदे या ना खरीदे दो चीज़ें हैं, अगर आप एकदम फाइनेंस के अंदर घुस जाते हैं, एकदम एक्सेल से कैलकुलेट करके देखते हैं, तो घर खरीदना सही नहीं होता है। बट देखिए, क्या होता है, घर के साथ इमोशन भी आपका जुड़ा होता है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास एक अपना घर होना ही चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियली ये सही डिसीजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक घर अपना होना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एकदम ये नहीं कह सकता कि हाउसिंग डेवलप नहीं करेगा इंडिया के अंदर में और ज़्यादा, या फिर हाउसिंग बिल्कुल बेकार ही है ये सेक्टर। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स्ड रिस्पॉन्स हो सकता है इसको मिले, और क्योंकि ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, रियल एस्टेट के अलावा और भी सेक्टर्स को कैटर करेगा उस थीम पे बेस्ड, तो इसलिए हो सकता है इसमें थोड़ी सी पॉजिटिवनेस भी आए। तो अभी के लिए मैं इससे दूरी बना के रखूँगा। मेरी जितना समझ में मुझे आ रहा है इस फंड के बारे में, मुझे नहीं लगता इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो कि मैं अगर एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, लार्ज कैप या मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारे जो फंड्स हैं, उससे अलग हट के अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न मिलेंगे या फिर कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, तो ऐसा कुछ इसके साथ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन माय ओपिनियन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जब मिलेगा ही नहीं इधर से, तो क्या क्यों इन्वेस्ट करना है ऐसे फंड में। तो इसलिए मैं नहीं करने वाला, या फिर नहीं, मेरी तरफ से नो होगा, मेरा हार्ड एंड मनी इसके अंदर नहीं जाएगा।